तो भाई देखो, हाल ही में जब आईपीएल 2024 का ऑक्शन हुआ, जहां कई सारे प्लेयर्स बिके, तो कई सारे प्लेयरों को कोई भी खरीदार नहीं मिला। लेकिन ये जो प्लेयर्स थे ना, जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिला, इन सभी प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा है जिसको लेके आज सभी फ्रेंचाइज अफसोस कर रही है कि आखिर हमने इसको क्यों नहीं खरीदा। मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के बैटर फिन एलन की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सारी फ्रेंचाइजे इस बात का शोक मना रही है कि हमने फिन एलन को नहीं खरीदा। देखो, पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से फिन एलन ने अपने फॉर्म को पकड़ा है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग स्किल में ग्रोथ देखने को मिली है, भाई कसम से बंदा फाड़ू बन चुका है। अगर तुम्हें अब भी याद नहीं आ रहा है कि फिन एलन कौन है, तो भाई मैं तुमको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, या फिर कहूं तुमको बताना चाहूंगा, हाल ही में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो तीसरा T20 मैच खेला गया था, वहां फिन एलन ने 62 बॉल पे 137 रन मारे थे और इस 137 रन की पारी में 16 छक्के शामिल थे। जैसे ही फिन एलन ने ये पारी खेली, तो चारों तरफ बंदे का नाम फेमस हो गया। सबसे पहला रीजन फेमस होने के पीछे ये था कि फिन एलन ने ये जो 62 बॉल पे 137 रन की पारी खेली है, इस पारी के साथ वो न्यूजीलैंड की तरफ से T20 इंटरनेशनल में इंडिविजुअल सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हो चुके हैं और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा एक ही पारी में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ही बन चुके हैं। एलन के अलावा अफगानिस्तान के बैट्समैन हजरतुल्ला जजाई के पास ये रिकॉर्ड था एक पारी में 16 छक्के लगाने का, लेकिन फिन एलन ने इस पारी के साथ उस रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। मैं यहां पे बता दूं कि फिन एलन जो है वो एक प्योर ओपनिंग बैट्समैन है और साल 2021 से लेकर साल 2023 तक वो ऑलरेडी RCB के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब तक उनको IPL में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। वो भरोसा कहीं ना कहीं उन पे टिकाया नहीं गया, यही रीजन है कि उन्होंने IPL का एक भी मैच नहीं खेला है, और यही रीजन है कि IPL 2024 में जब ऑक्शन भी होता है और उनका नाम आता है, एक भी टीम ऐसी नहीं होती है जो उन पे बोली लगाती है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो चार टीमें कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा भाई नजरें गड़ा के बैठी है फिन एलन पे, और जैसे ही मौका मिलेगा वो फिन एलन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए देख रही हैं। क्यों यही टीमें इतनी ज्यादा बेसब्र हैं उनको खरीदने के लिए, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों चैनल ज्वाइन करना है, इतने सारे मैचेस चल रहे हैं, मौका मिला हुआ है इतना पैसा कमाने का, तो काहे छोड़ने का। जल्दी से जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या फिर जो नंबर है WhatsApp का आपकी स्क्रीन पे, वहां पे जाके DM करना है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगनी है, उन प्रेडिक्शन को उठा के मस्त फैंटेसी टीम बनानी है, प्रेडिक्शन करनी है और पैसा ही पैसा छापना है। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, WhatsApp नंबर स्क्रीन पे, मस्त भैया पैसा कमाने की तैयारी करो। हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आपको जो ठीक लगे वो करिए। तो सबसे पहली टीम जो फिन एलन पे एकदम नजरें गड़ा के बैठी है और बहुत ज्यादा बेसब्र है फिन एलन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, वो टीम है नन अदर देन गुजरात टाइटंस। देखो, गुजरात टाइटंस के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है ओपनिंग की। हाँ, टीम एक नंबर है, लेकिन एक नंबर इनका मिडल ऑर्डर तो है, एक नंबर इनकी बॉलिंग तो है, पर जहां बात ओपनिंग की आ जाती है तो एक ओपनर भी जो है वो भी कमाल का है, शुभमन गिल। लेकिन हमेशा से ये एक कंफ्यूजन रहा है कि शुभमन गिल के साथ आखिर ओपनिंग किसको कराएं। कभी वेट को कराते हैं तो वो भी फ्लॉप हो जाते हैं, अगर कराते हैं साहा को तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। एक सीजन में खास किया था, लेकिन पिछला सीजन बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप रहा था। ऐसे में जहां गुजरात टाइटंस अपने नेक्स्ट ओपनर को ढूंढ रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस जा सकती है फिन एलन के साथ। और जैसे ही फिन एलन को ये लोग टीम में शामिल करेंगे, तो चार फॉरेन प्लेयर्स जो इनकी टीम में खेलेंगे, एक तो फिन एलन हो गए, एक विलियमसन हो गए, अगले आपके मिलर हो गए, और लास्ट आपके राशिद खान हो गए। अगली फ्रेंचाइज जो फिन एलन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है वो है KKR। देखो, हम सबको पता है कि KKR के जो पिछले कुछ सीजन हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से KKR की टीम अनसक्सेसफुल रही है। और ये अनसक्सेसफुल होने के पीछे का जो सबसे मुख्य कारण है ना, वो यही है कि KKR की ओपनिंग कुछ नहीं कर पा रही है पिछले कुछ सीजन से। सबसे ज्यादा फ्लॉप ओपनिंग अगर किसी टीम की रही है पिछले कुछ सीजन में, तो वो KKR की रही है। हाँ, आने वाले सीजन के लिए KKR जो ओपनिंग यहां पे उतारने वाली है वो होगी वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी।
ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग पिछले सीजन में भी ओपनिंग कर रहे थे पर फ्लॉप जा रहे थे। ऐसे में केकेआर को लगता है कि अगर फिन एलन टीम में आ जाएंगे, अगर ओपनिंग इनको अच्छी मिलने लग जाएगी, तो बस फिर क्या, उसके बाद आगे की जो टीम है वो भी अच्छा कर जाएगी। अगली टीम जो फिन एलन पे नजरें गड़ा के बैठी है वो है नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देखो मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आरसीबी की ओपनिंग तो बहुत अच्छी भी है और लगभग फिक्स भी है, डू प्लेसिस और कोहली आते हैं, मस्त ओपनिंग देते हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सीजंस पे नजर डालें तो पता है आरसीबी के साथ दिक्कत क्या रही है? दिक्कत ये रही है कि कोहली और डू प्लेसिस या फिर कोई भी जो ओपनिंग करता हुआ आया है पिछले कुछ सालों से, मतलब ओपनिंग जोड़ी हमेशा से आरसीबी की अच्छी ही रही है, पर दिक्कत ये आती है कि जैसे ही 2-3 विकेट गिरते हैं तो नीचे डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि नीचे कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए आरसीबी के लिए जरूरी है कि फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली आए, ओपनिंग में कोई ऐसा बैट्समैन आए जिसके विकेट को लेके बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि जब अब भी डू प्लेसिस और विराट कोहली आते हैं ना, बहुत मैचेस में अच्छी ओपनिंग दे जाते हैं, लेकिन अगर गलती से ये लोग किसी मैच में फ्लॉप हो जाए, इन दोनों में से एक भी बैट्समैन फ्लॉप हो जाए ना, तो भाई टीम ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि डू प्लेसिस के साथ कोई ऐसा बैट्समैन ओपनिंग करे जिसके विकेट को लेके बहुत सोचना ना पड़े, और अगर वो रन मार दे तो फायदा ही फायदा, अगर गलती से आउट हो भी जाए दोनों में से कोई, तो ये भरोसा रहे कि नीचे कोहली आने वाले हैं। यही प्लान कर रही है आरसीबी, इसीलिए जैसा मैंने कहा नजरें गड़ा के बैठी है फिन एलन पे। अब आती है लास्ट टीम जो सबसे ज्यादा बेसब्र है फिन एलन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, वो है पंजाब किंग्स। देखो पंजाब किंग्स का भी हाल कुछ ना कुछ रहा है केकेआर के जैसा, क्योंकि उनकी भी जो ओपनिंग रही है, जो ओपनिंग जोड़ी रही है, वो पिछले 1-2 सालों से फ्लॉप जा रही है। एक वक्त पे जब मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ओपनिंग करते थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बार जब चले गए केएल राहुल टीम से, उसके बाद तो भैया ओपनिंग इनकी जोड़ी जो होती है वो इतना ज्यादा हकती है कि समेटते समेटते पूरा पंजाब थक जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पंजाब देखे किसी नई ओपनिंग जोड़ी की तरफ। फिलहाल देखो पिछले सीजन में जिन लोगों को पंजाब ने ट्राई किया था शिखर धवन के साथ, एक थे आपके जॉनी बेस्टो, दूसरे थे अथर्व ताइड़े और तीसरे थे प्रभसिमरन सिंह। जॉनी बेस्टो को कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन माना जा रहा है आईपीएल 2024 के लिए भी, कि वही होंगे जो धवन के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन अगर आईपीएल में बेस्टो के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 2022 में उन्होंने भी बहुत बुरा हका था, 2023 की आईपीएल तो खेल ही नहीं थी। ऐसे में पंजाब चाहती तो नहीं है कि वो बेस्टो के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि भाई इंग्लैंड के प्लेयरों का ना एक और बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि साले ये कभी भी छोड़ के भाग जाते हैं। तो जरूरी है कि पंजाब कोई ऐसे ओपनिंग पार्टनर को लाए अपनी टीम में जो धवन का साथ दे सके और जिस पे भरोसा टिकाया जा सके कि ये भाई खेलेगा, और भाई जब बात न्यूजीलैंड के प्लेयरों की आ जाती है ना, तो आप भरोसा कर सकते हैं। यही रीजन है कि चेन्नई कुछ ज्यादा ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अपनी टीम में शामिल करती है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको फिन एलन की काबिलियत के बारे में पहले से पता था? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आरसीबी की ओपनिंग डू प्लेसिस और विराट कोहली को ही करनी चाहिए, या फिर कोहली जहां खेलते हुए आए हैं लंबे वक्त से फर्स्ट डाउन पे, वहां पे कोहली को आना चाहिए? जो भी आपका मानना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्या करना है, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आज के सारे मैचेस की प्रेडिक्शन उठा के मस्त अपनी टीम बनानी है, पैसा छापना है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।